इस दिन पोजीशन बहुत डाउन है, खर्चे नहीं चल रहे हैं और घर भी परेशान है। 110 आ 103 कर दिया, दूसरे दिन 106 हो गया, काय का सस्ता कर दिया। ऐसा सस्ता कहते हैं क्या इस बात पे? बताना 300 रुपए पे नौकरी करता है डायरेक्ट। 300 पे नौकरी करता हूँ, इसमें बताइए खर्चा पानी भी नहीं पूरा हो रहा है मेरा। पेट्रोल पे, आलू पे, प्याज पे, धनिया पे, हर चीज पे। इस पे इतनी महंगाई की मजदूर आदमी कुछ भी नहीं बचा सकता और खाने की तो बात अलग है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैं लोगों से समझूंगा, लोगों से जानूंगा। क्या नाम है आपका? राजा। राजा भाई, आपसे मैं सबसे पहले जानूंगा, गाजीपुर मंडी में काफी लंबे समय से हैं आप लोग। क्या लगता है आपको महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? कुछ ज्यादा ही पहुंच गई, हद से ज्यादा। किस चीज पे महंगाई हो रही है? पेट्रोल पे, आलू पे, प्याज पे, धनिया पे, हर चीज पे। कौन सी ऐसी चीज है? गोभी पे, सब पे। पर सरकार तो ये कह रही है, सरकार ने दिवाली पे गिफ्ट दिया था, पेट्रोल को 500 रुपए से लेके 12 रुपए सस्ता कर दिया। एक सेकंड, सरकार ने करा 7 रुपए सस्ता और दूसरे दिन ही क्या नाम है 3 रुपए बढ़ा दिए। 110 आ 103 कर दिया, दूसरे दिन 106 हो गया, काय का सस्ता कर दिया। ऐसा सस्ता कहते हैं क्या? मैं आपसे समझना चाहूंगा, LPG सिलेंडर 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर है। महंगाई की चीजें तमाम, जो सरसों का तेल है वो आज 200 रुपए से भी ऊपर है। क्या लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि गरीब क्या खाएगा क्या पिएगा? इसमें गरीब क्या करेगा? कहाँ से तेल, क्या नाम है, 200 रुपए किलो तेल कौन लियागा? क्या काम चीज सोचनी चाहिए राजा जी? क्या काम देखते हैं? कितना कमा लेते हैं निर्मर में? फिलहाल में यही, मैं तो नौकरी पे हूँ जी, 500 रुपए रोज पे। अब 500 में क्या कर लोगे? खर्चा चल जाता है घर का? नहीं, 200 रुपए का तेल जी, और क्या नाम है, 1000 रुपए का आटा और उसमें 150 रुपए का पेट्रोल। बैग से आने का 100 रुपए, 150 का पेट्रोल। कहाँ से खर्चा पूरा हो जाएगा आज की डेट में जी? क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, हम खुद देख रहे हैं, आप खुद अगर यहाँ पे नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो आपको खुद बताओगे महंगाई का स्तर किस तरह से है देश में। क्या कहते हैं इस बात पे? 300 रुपए पे नौकरी करता है डायरेक्ट। 300 पे नौकरी करता हूँ, इसमें बताइए खर्चा पानी भी नहीं पूरा हो रहा है मेरा। 100 रुपए का साला खाना पीने के लिए लो, 100 रुपए का खर्चा कमरे किराया तो कुछ नहीं मिलता है इसमें। सरकार कह रही है महंगाई में तो राहत है, दिवाली पे मैंने गिफ्ट दिया इतना बड़ा। अरे दिवाली पे कौन सा गिफ्ट दिया इसमें? कौन सा गिफ्ट दिया दिवाली पे? दिवाली पे सीधा आसमान छू रहा है, इसमें महंगाई में इतना हो रहा है क्या बताऊँ। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के अलावा भी खाद्य सामग्री लगातार बढ़ रही है। क्या लगता है आपको सरकार क्यों मौन बैठ रही है? सरकार मौन में बैठ रही है कि और सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कल कुछ नहीं हो रहा, सब्जियों का दाम ऊपर जमीन से लेकर आसमान पहुंच रहा है इसमें। क्या नाम है भैया आपका? सुशील राठौर। राठौर जी, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, मैंने तमाम लोगों से बात जानने का यहाँ प्रयास किया, लोगों से मैंने पूछा कि जो 200 रुपए में दिहाड़ी मजदूर काम करता है वो इस महंगाई में क्या खाए क्या कमाए जी। इस टाइम भैया सब्जी में इतनी महंगाई है, मजदूर आदमी कुछ बचा नहीं सकता है, और इतनी महंगाई है, धनिया मिर्ची अदरक लहसुन ये तो नॉर्मल चीज़ है, इस पे इतनी महंगाई की मजदूर आदमी कुछ भी नहीं बचा सकता और खाने की तो बात अलग है। पर सरकार तो लगातार ये कह रही है कि दिन अच्छे हैं और इससे भी अच्छे दिन आएंगे अगर हम सरकार में बने रहेंगे तो। अच्छे दिन आएंगे, कपड़े बिकेंगे उसमें। इतने अच्छे दिन आएंगे, अब नहीं आनेंगे। 400 रुपए रोज किराया देते हैं लेकिन फिर भी है ना पूरे दिन ऐसी कम तैसी मराते। इतने अच्छे दिन आ चुके हैं मोदी की सरकार में। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सरकार है, महंगाई अपने चरम स्तर पर है, LPG गैस 1000 रुपए की है, जो CNG जिसे हम कहते हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2000 रुपए का है, पेट्रोल 100 से ऊपर है। क्या लगता है आपको सरकार क्यों शांत होने का काम, मौन बनने का कारण क्यों कर रही है? सरकार के बारे में तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारी जो इस दिन पोजीशन बहुत डाउन है, खर्चे नहीं चल रहे हैं और घर भी परेशान है। दिवाली कैसी मनाई आप लोगों? दिवाली तो बस ऐसी चली गई और जी बिल्कुल नॉर्मल गई है। लोग बता रहे थे धन नहीं है और धन के तरस रहे, धनतेरस कैसे मनाए? धनतेरस भैया जब धन नहीं होगा तो तेरस कहाँ से आएगी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।